तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2GB और 3GB में ड्रीम क्रिकेट 24 चल सकती है या नहीं चल सकती। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार APK मोड लेकर आओ, मतलब अगर 2GB में नहीं चल सकती, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं काफ़ी सारे आपके जो बदलाव हैं उनको दूर करने वाला हूँ। तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो बात का आगाज़ करते हैं कि ड्रीम क्रिकेट 2024 जो आई है नई गेम, वो 4GB से 6GB 8GB में चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का ये डाउट्स क्लियर करने लगा हूँ कि 4GB में 4GB में तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना भी हाई ग्राफिक्स क्रिकेट गेम हो वो आप लोगों को 4GB में बिल्कुल थोड़ा बहुत तो मतलब देते ही हैं। 4GB भी इतना हल्का थोड़ी है कि मतलब कि उसमें ये जो इन्फिनिक्स के फ़ोन है उसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा होता है तो काफ़ी सपोर्ट करता है उसको। तो काफ़ी पूछ रहे थे कि इसमें कितने GB का सपोर्ट करेगा, तो गाइस कम से कम 4GB का सपोर्ट करेगा। एंड इसका बीटा वर्जन जब ख़त्म होगा, जब मतलब गेम फुल लॉन्च हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में, तो इसका 3GB रैम भी निकाल देंगे मे बी। और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 690 MB का है। अभी गेम आया है, बीटा वर्जन में भी नहीं आया, और साथ ही साथ अपडेट आते जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात होगी। और बाकी दो 2GB रैम और 3GB रैम है, इनके लिए APK मोड लेकर आ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं आ सकता क्योंकि जब तक इसका बीटा वर्जन नहीं ख़त्म होगा तो आप लोगों इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो गैस यही वीडियो थी, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो 2GB और 3GB रैम है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका बीटा वर्जन ख़त्म नहीं होगा तो तब तक इसका APK मोड निकल के नहीं सामने आएगा। तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो यही बात थी, बाकी 4GB में चल सकती है, मतलब 8 में जो फिर अल्ट्रा ग्राफिक चलाएगा। तो यही आप लोगों को बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।